बरकतुह। क्या हाल है व्यूअर्स, मैं बना रहे लगी हूँ आज देसी मुर्गी की यखनी। ये मेरे पास हाफ के जी देसी मुर्गी है जो कि हमारे अपने घर की पली हुई है। देसी खुराक पर ये एक प्याज है, ये मेरे पास एक टमाटर है, एक इंच अदरक का टुकड़ा है, साथ में लहसुन है। साथ में 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। मैंने अदरक को बारीक बारीक काट लिया है, इसी तरह मैं इसमें इसको ऐड करूंगी। ये तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी है। हाफ चम्मच नमक मैंने इसमें, हाफ चम्मच हल्दी है, हाफ चम्मच नमक है, काली मिर्च इसमें मैं हाफ चम्मच ऐड कर दूंगी। सुरख मिर्च इसमें शामिल नहीं होगी यखनी में। अच्छा सा गल गया है, अब मैं इसको भूनने के बाद इसमें यखनी के लिए पानी ऐड कर दूँ इसमें तकरीबन 4 गिलास। अच्छी तरह यह और गल जाएगा साथ में। ये तकरीबन 2 चम्मच इसमें ऑयल है, ये हाफ चम्मच इसमें काली मिर्च है, ये 4 गिलास तकरीबन इसमें पानी है। 4 गिलास पानी में करके तो इसको ऊपर ढाँप लूँगी। ये अच्छी तरह इसका सूप हड्डियों का निकल आएगा, गोश्त का, यानी अच्छी सी यखनी बन जाएगी। फिर मैं इसको, यखनी हमारी बस माशाल्लाह से तैयार हो गई है। देसी मुर्गी की यखनी है, घर में पला हुआ मुर्गा था, हम इसको ज़िबा करवाया था। हाफ के जी चिकन था मेरे पास। अब मैं इसको बॉल में डालती हूँ। हमारी मुर्गी यखनी तैयार हो गई है, देसी मुर्गी की यखनी माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी है। आप हमारी रेसिपी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए, हमारे इदारों को मज़बूत बनाए, हमें अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के साथ अपने इदारों के साथ मुखलिस और वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। इस वबा को, इस बीमारी को हम से, हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से दूर कर दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन।